और क्या बोल रही बीजेपी, आपके बार 400 के पार। और इमीडिएटली जैसा नरेंद्र मोदी वहां से बोले और बीजेपी वाले बोले आपके बार 400 के बार, तो मैं यहां से बोला इंशाल्लाह इस बार इनका अंतिम संस्कार अब आप लोगों के हाथों में। और क्या बोल रही बीजेपी, आपके बार 400 के पार। और इमीडिएटली जैसा नरेंद्र मोदी वहां से बोले और बीजेपी वाले बोले आपके बार 400 के बार, तो मैं यहां से बोला इंशाल्लाह इस बार इनका अंतिम संस्कार अब आप लोगों के हाथों में। दो चार मिनट में मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा, आपको वोट डालना है साहब। सिकंदराबाद के हलके में अगर से कांग्रेस पार्टी को जिताना है तो मुसलमान, क्रिश्चियन और दलित, अगर ये तीनों एक नहीं होंगे और फजर की नमाज पढ़ के आप वहां लाइनों में नहीं ठहरेंगे। गर्मी अपनी जगह पे है, ओके, आपसे आके कोई बात करा या ना बात करा, मैं अपने हक के लिए आज ये गवर्नमेंट ड्रामा चल रही, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास। मैं बड़ा खुश हुआ एक दिन जब नरेंद्र मोदी बोले और तोगड़िया और भागवत जाके ये बात बोले कि मुसलमान के एक हाथ में कुरान रहना, एक हाथ में लैपटॉप रहना। कहा है मुसलमान के हाथ में? मुसलमान के हाथ में तो ताक है और कुरान रहेगी, लैपटॉप कहा है रे भाग? नरेंद्र मोदी इन्हें जुमले का बकवा करते रहता मोदी, पूरी दुनिया का अगर से आखिरी कोई बल्लेबाज है तो नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा झूठा अगर से दुनिया में है उनको नरेंद्र मोदी है। सेकंड झूठा केसीआर था, सेकंड झूठे को कांग्रेस भिजा दी। इंशाल्लाह आप लोग की दुआ रहेगी, इंशाल्लाह नरेंद्र मोदी को भी भिजा देंगे। बात तो डेवलपमेंट की करो तो कभी भी बात लेटेस्ट निकाले आप मंगलसूत्र कहते। अरे कांग्रेस पार्टी कहीं को मंगलसूत्र लेती बाबा? 70 साल में कभी कांग्रेस पार्टी किसका मंगलसूत्र ली? हमारे मोदी साहब उनकी बीवी का मंगलसूत्र चुरा लिए, उसके लिए मोदी साहब को दिल में चोर है कांग्रेस के प्रताप से। बात करी जाए तो मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं बाबा, बाल ठाकरे कितने बच्चे भाई बहन थे, बाल ठाकरे को 11, तोगड़िया को 8 भाई बहना, योगी को 7 भाई बहना, नरेंद्र मोदी साहब को 6 भाई बहना, फिर मुसलमान ज्यादा पैदा करते करते तुलना क्या करोगे? तो दीवारा भगवान को नहीं बना साहब, आपने को बड़ा डेवलपमेंट रिजर्वेशन निकालते कर, क्योंकि मुस्लिम रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मुसलमान नाम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अरे भाई मुसलमान को रिजर्वेशन क्यों मिला? सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है तो आपको रिजर्वेशन मिलता। सच्चा कमेटी, रंगनाथ कृष्णा कमेटी, दामोदर सुब्रमण्यम, अमिताभ कुंज, के एस कृष्णन, सुधीर कमेटी कमीशन, हर जगह पे बताया कि मुसलमान बस बनता है दलितों से ज्यादा, हर जगह पे पास बनता है, उसके लिए हमारे को रिजर्वेशन मिला। आज आप पॉलिटिकल पोलराइजेशन करने के लिए आप बोल देते कि मुसलमान का रिजर्वेशन आप निकाल देते और आप फिर बोलते सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। अरे भाई आप ये बात बोल रहा था अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मुसलमान नाम है सो वो नाम निकाल देंगे, रिजर्वेशन कर देंगे, एक काम करेंगे वो रिजर्वेशन का नाम एपीजे अब्दुल कलाम लगा देंगे। तो जब हम समझ सकते थे कि आप हमारे हक में है, एक एमपी एक एमएलए आप टिकट नहीं देते, लोकसभा राज्यसभा मिनिस्ट्री का भी मुसलमान नहीं दिखता, फिर आप बकवा करते जुमला करते, तो ये पूरे चीज आपके सामने आ गए। डेमोक्रेसी खत्म होगी, तानाशाही चल रही, आगे जाके अगर से आप खामोश बैठेंगे और जो आपके पास हथियार है वो आप सही ले डालेंगे साहब। सिकंदराबाद बेहतरीन चांस देंगे साहब, 580,000 सिर्फ मुसलमान और माइनॉरिटी वोट है, माइनॉरिटी वोट तो क्रिश्चियन वोट है, और उसके अंदर 2,00,000 दलित वोट है। अगर से ये कॉम्बिनेशन चल गया तो सिकंदराबाद में बन क्लिक हो गए। और मैं ज्यादा गद पे ले जाता, बीजेपी क्या कर रही बाबू? सौ कुमार ईडी को यूज कर रही, सीबीआई को यूज कर रही, इनकम टैक्स को यूज कर रही, कॉन्स्टिट्यूशन को बाजू रख रही, और नेक्स्ट ईयर आ जाएगी तो 2/3 मेजोरिटी से आएगी। इंपॉर्टेंट ये है डेमोक्रेसी जीतेंगे, इंसाफ जीतेगा। आज नफरत का काल है, मित्र काल है, जुमलों का काल है, झूठों का काल है, बस आप में इतिहाद आ जाएगा इंशाल्लाह। जो है इस टाइम के ऊपर आप और हम पूरे सिकंदराबाद, क्योंकि सबसे अहमियत की सीटें बनी है, किशन रेड्डी जो है वो यूनियन मिनिस्टर है, 4 पोर्टफोलियो है, और तेलंगाना बीजेपी के प्रेसिडेंट है,
अगर हम उनको हरा दिए तो एक मैसेज क्लियर कर जाएगा कि तेलंगाना और हिंदुस्तान बदलाव चाहता। सो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप लोग सब अपना अपना काम करेंगे।